हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास सिक्स मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। तो इसकी एक्सरसाइज 7.2 हो चुकी है आपकी कंप्लीट। आज मैं आपको कराऊंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, लुक एट ऑल दीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्रैक्शन। आप इन तीनों फिगर्स को ध्यान से देखिए। इस फिगर के अंदर क्या है, ये हाफ शेडेड है, यहाँ पे टोटल पार्ट्स 2 हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 शेडेड और टोटल कितने हैं, 2 पार्ट्स। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, टोटल हो गए 4 पार्ट्स और कितने शेडेड हैं, 2 पार्ट्स शेडेड हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स हैं, शेडेड कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, दीज फ्रैक्शंस आर 1/2, 2/4, 3/6, रिप्रेजेंटिंग द पार्ट्स टेकन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो जो हम नीचे लिखा है ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, और जो ऊपर लिखा है ये रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स टेकन फ्रॉम द टोटल। इफ वी प्लेस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ओवर द अदर, दे आर फाउंड टू बी इक्वल। अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये सारे सेम आएंगे। ट्राई दिस, तो क्या ये इक्वल हैं, दे आर फाउंड टू बी इक्वल, डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं, येस वी एग्री, क्योंकि सारे इक्वल दिखाई दे रहे हैं हमें, जो पिक्चर्स हैं वो तो सेम दिखाई दे रही हैं। ट्राई दिस, आर 1/3 एंड 2/7, ये हमें दिया हुआ है, 3 पेयर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो जो 1/3 है और 2/7 है ये यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, ये 3 टोटल पार्ट्स हैं और ये 1 पार्ट ले रखा है, और यहाँ पे 7 पार्ट्स हैं टोटल और यहाँ पे 2 पार्ट्स ले रखे हैं, तो ये यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 2/7 और 2/5 और 2/7। यहाँ पे न्यूमिरेटर तो सेम है लेकिन यहाँ पे जो टोटल पार्ट्स हैं वे डिफरेंट हैं। यहाँ पे 2 पार्ट्स लिए गए, टोटल हैं 5, यहाँ पे भी 2 लिए गए लेकिन टोटल है 7, तो ये भी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 2/9, 6/27। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 6, 3 9 27, तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स देने हैं। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स कैसे देंगे आप, जैसे 1/2 है, ये जो ऊपर वाला इसी को ले सकते हैं आप, 2/4 है, 3/6 है और 4/8 है, तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के। थर्ड है हमारा, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच केस, आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। हमें 4 फिगर्स दे रखी हैं, 1 2 3 4, हमें बताना है इन फिगर्स को देख के कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को शो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे टोटल पार्ट्स हैं 8, ठीक है, शेडेड पार्ट है यहाँ पे 6, यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 12, शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 9, यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 16 और शेडेड कितने हैं, 9, यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 20 और शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 15। तो ये जो देखने में लग रही है ये तो हमें बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, ये लग ही नहीं रहा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, लेकिन अगर हम इनको डिवाइड कर दें, 6/8 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 4 8, इसको हम डिवाइड करें 3 से, 3 3 9, 3 4 12, इसको भी सेम हम करेंगे 3 से, 12 बॉक्सेस है यहाँ पे ये, और टोटल है यहाँ पे ये 16 बॉक्सेस, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 4 16, इसको हम 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 15, 5 4 20। तो 3/4, यहाँ पे भी 3/4 है, यहाँ पे भी 3/4 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को शो कर रहे हैं। दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 1/2, 2/4, 3/6,
36/72 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा 1/2 ही आएगा, इसको कट करेंगे तो भी 1/2 आएगा, इसको कट करेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल। थिंक, डिस्कस एंड राइट, व्हाई डू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल, हाउ कैन वी ऑब्टेन वन फ्रॉम द अदर। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं जैसे 1/2, 2/4, 3/6 और 36/72, ये होल का सेम पार्ट ही रिप्रेजेंट करती हैं। हम इनको एक दूसरे से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो हमने जैसे 1/2 से 2/4 लिया, तो हमारा 2/4 कैसे आया? हमने ऊपर और नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारा 2/4। नेक्स्ट है हमारा 3/6, तो हमने कैसे लिया इसको? 1/2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया हमारा 3/6। नेक्स्ट किया हमने 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 4/8। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन, यू मे मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। तो हमें क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शन की अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे रजनी सेज दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 आर, 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रखी हैं, पहले हमने ऊपर और नीचे न्यूमिरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये आ गई हमारी 2/6। ये इस केस में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई हमारी 3/9। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गई हमारी 4/12 एंड मैनी मोर। डू यू एग्री विद हर एक्सप्लेन? येस, वी एग्री विद हर। अगर हम इनको कट करेंगे, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये भी हमारा 1/3 आएगा, और ये 2/6 है तो ये भी हमारा 1/3 आ जाएगा अगर हम इसको कट करेंगे तो। ट्राई दिस, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है, 2/3 की, 1/5 की, 3/5 की और 5/9 की। तो मैं इसको आपको कॉपी पे करके दिखा देती हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको कैसे फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट है हमारा 2/3 है ये हमारा, तो इसकी हम कैसे निकालेंगे, हमें 5 फ्रैक्शंस निकालनी है। तो पहले हम 2/2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये हमारी फर्स्ट आ गई। सेकेंड निकाल लेंगे, 3/3 से करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसको 4 से, ये आ जाएगी 8/12। अब हम करेंगे 2/3 को 5/5 से, 2/3 को हम 6/6 से करेंगे, तो ये हमारी आ गई 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारा 1/5, 1/5 की सेम यही मेथड रहेगा। इसमें क्या करना है आपको, 1/5 को पहले 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2/10। 1/5 को 3/3 से करना है, तो ये आ जाएगा 3/15। 1/5 को 4/4 से करना है, तो ये आ जाएगा 4/20। 1/5 को अब हम करेंगे 5/5 से, तो ये हो जाएगा 5/25। 1/5 को करेंगे 6/6 से, 6 से, तो ये हो जाएगा 6/30। तो ये आ गई हमारी 1/5 की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, 3/5। मेथड हमारा सेम रहेगा, तो 3/5 को हम पहले 2/2 से करेंगे, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। अब हम करेंगे 3/5 को 3/3 से, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। नेक्स्ट करेंगे 3/5 को 4/4 से, ये हो जाएगा हमारा 12/20। 3/5 को करेंगे हम 5/5 से, ये हो जाएगा हमारा 15/25। 3/5 को करेंगे 6/6 से,
18 अपॉन 30। तो ये आ गई हमारी 3/5 की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारा 5/9। तो कैसे करेंगे हम इसमें, 5/9 को पहले हम 2 से करेंगे, 5/9 को फिर हम 3 से करेंगे, 5/9 को 4 से करेंगे, 5/9 को हम 5 से करेंगे, 6 से करेंगे। तो ये आ गई हमारी 5/9 की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये हमारा ट्राई दी, इसका मैंने कॉपी पे करा दिया आपको। एनदर वे, इज देयर एनी एनदर वे टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का और कोई भी वे है, कोई और वे है इसका ऑब्टेन करने का? लुक एट द फिगर, यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, शेडेड यहाँ पे 4 हैं। तो हम लिखेंगे 4/6 इज शेडेड हेयर, लेकिन यहाँ पे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, इस बॉक्स को हम 1 मान लेंगे, इस बॉक्सेस को 2, इस बॉक्सेस को 3। तो टोटल पार्ट्स हो गए यहाँ पे 3 और शेडेड हो गए यहाँ पे 2 पार्ट्स, 2/3 इज शेडेड हेयर। दीज इंक्लूड इक्वल नंबर ऑफ शेडेड थिंग्स, तो दोनों फिगर्स में जो शेडेड थिंग्स हैं उनका नंबर इक्वल है, 4/6 है या 2/3। 4/6 को हम यहाँ पे 2/3 भी लिख सकते हैं काट के। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मे डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4/6 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, और हमारा आ गया 2/3। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस केस में हमने क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाला था ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखी है और उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/15, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 4/5। कैन यू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/15 हैविंग डिनोमिनेटर 5? तो हमें डिनोमिनेटर 5 चाहिए, ये हमें 5 चाहिए। ये 5 कैसे आएगा, अगर हम इसको 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करें, तो ये आ जाएगी हमारी 3:5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमें 5 चाहिए। तो 5 कैसे आएगा, 15 को 5 कैसे बनाएंगे हम, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 5 आ जाएगा। तो नीचे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3/5। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमरेटर 6। तो 2/5 को हमने, जो हमारा 2/5 दिया हुआ है उसका न्यूमरेटर हमारा 6 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर 2 का हमारा 6 कैसे बनेगा, जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे 2 × 3, 5 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6/15। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है विद न्यूमरेटर 6। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 35, इसको 7 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको 7, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, जब ऊपर जब हमें नीचे 5 से डिवाइड करना तो ऊपर भी 5 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 15/35 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हो जाएगा हमारा 3/7। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेट अस नाउ नोट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फॉर दिस कंप्लीट द गिवन टेबल, द फर्स्ट टू रोज हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड फॉर यू। तो आप इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए क्या करेंगे, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, और इसमें जो 2 रोज हैं वे हमें करके दिखा रखी हैं। क्या कर रखा है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है,
तो ये हो जाएगा 9 और 9, तो ये क्या है, इक्वल है प्रोडक्ट। यहाँ पे 4 और 35 की 140, 28 और 5 की 140, इक्विवेलेंट है फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारा 1 और 16 की करेंगे, 16 आ जाएगी। यहाँ पे 4 इंटू 4 करेंगे, ये भी हमारी 16 आ जाएगी, तो येस। नेक्स्ट है हमारा 2 इंटू 15, तो ये हो जाएगी 30। 10 इंटू 3, ये हो जाएगी 30, ये हमारा येस आ जाएगा। 3 इंटू 56, तो ये हो जाएगी 168, और ये हो जाएगी 168, तो ये भी हमारी येस आएगा यहाँ पे। व्हाट डू यू इन्फर, तो आप इससे क्या रिजल्ट निकालते हैं, जो हमने ये टेबल फिलअप किए क्या रिजल्ट निकला। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिरेटर ऑफ फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट एंड न्यूमिरेटर ऑफ सेकेंड इन ऑल दीज केसेज, एंड दीज टू प्रोडक्ट्स आर क्रॉस प्रोडक्ट्स। हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ये जो हमने दिखाया है ये हमारे क्या हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं। और जब क्रॉस प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं तो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। डू यू फाइंड एनी पेयर ऑफ फ्रैक्शंस फॉर विच क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन ऐसी नहीं है जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ पे 5 केसेस हैं, 5 केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट्स बिल्कुल इक्वल हैं। दिस रूल इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो क्रॉस प्रोडक्ट्स एक अलग मेथड है जिसके द्वारा हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी क्रॉस प्रोडक्ट्स के बेस पे एक एग्जांपल करेंगे अब हम। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद डिनोमिनेटर 63, तो हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे 63 चाहिए, तो हम 2/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक्स मान लेंगे, ये हमारी मिसिंग टर्म है जो हमने निकालनी है, तो 2 और 63 को हम एक साइड रखेंगे और 2 और 9 और x को हम एक साइड रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x इंटू 9, 9 इंटू यहाँ पे x लगा लेंगे हम, इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट मेथड बता देती हूँ, बिल्कुल 2/9 इज इक्वल टू x, ये हमारी मिसिंग टर्म है, ये हो जाएगा हमारा 63, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू x इज इक्वल टू 2 इंटू 63, x इज इक्वल टू, जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 63 अपॉन 9, तो 9 की टेबल में 63 आता है, तो ये होता है 9 7 जा 63, और ये आ जाएगा हमारा 14 आंसर, तो हम यहाँ पे 14 फिल अप कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, हम किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं। हमें फ्रैक्शन दी गई है 36/54, अब हम इसको ट्राई करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम जब सिंपल फॉर्म में बनाते हैं तो क्या कंडीशन होती है, न्यूमिरेटर और जो डिनोमिनेटर होते हैं दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, तो हमें तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना बचे। तो हम 36 और 54 को हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से, ये आ गया हमारा 18/27, 18 और 27 को अब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 18/27 का आ जाएगा 6/9, इसको हम दोबारा से 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। अब ये हमारी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3, क्योंकि 2 एंड 3 हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसके अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, 2/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ए फ्रैक्शन इज सेट टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। लेकिन जो ये मेथड है हमारा, ये तो बहुत ही लेंथी है, हम कहाँ तक डिवाइड करेंगे इसको, तो एक शॉर्ट मेथड है हमारा। द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी 36 और 54 है इसका हम HCF निकाल लेंगे दोनों का, और उस HCF को से हम क्या करेंगे, इन दोनों न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी फ्रैक्शन के। जैसे इस तरह से करेंगे हम, हमने एक एग्जांपल कर रखा है 36/24, तो हमने HCF निकाला, तो HCF तो आप लास्ट चैप्टर्स में कर चुके हैं, तो यहाँ पे 36 का HCF इस तरह से निकालेंगे, ये 36 का HCF हो जाएगा यहाँ पे 2 18 2 9 3 3, ठीक है, ये हो जाएगा 24 का
टू ट्वेल्व, टू सिक्स, टू थ्री, ठीक है। अब फैक्टर्स हैं हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स देखना है, टू इसके अंदर भी है और टू इसके अंदर भी है, ठीक है। टू यहाँ भी है और टू यहाँ पे भी है, थ्री यहाँ पे भी है और थ्री यहाँ पे भी है, इसके अलावा इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एच सी एफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, टू इंटू टू इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेल्व। तो हम क्या करेंगे, तो एच सी एफ आ गया हमारा ट्वेल्व। एच सी एफ से हम ऊपर वाले को, न्यूमिरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा थ्री बाई टू। द फ्रैक्शन थ्री बाई टू इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एच सी एफ का क्या फंक्शन है, इट हेल्प अस टू रिड्यूस ए फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इसने, एच सी एफ ने क्या किया है, फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प की है। ट्राई दीज, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/75। ये हमारे फाइव क्वेश्चन हैं और ये जो सेकेंड क्वेश्चन है 49 और 64 है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये यहाँ पे सिंपल फॉर्म में ही है, इसको हम आगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 49 और 64 का यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं है वन के अलावा। लेकिन यहाँ पे जो फाइव क्वेश्चन हैं ये इनको मैं एच सी एफ के द्वारा करा देती हूँ आपको। ट्राई दीज, ये पेज नंबर आपका 146 पेज नंबर है। तो एच सी एफ के द्वारा हम सिंपल फॉर्म निकाल लेंगे। तो हमारा ए पार्ट है 15/75। तो यहाँ पे हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, 3 5 15। तो ये हो जाएगा 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। अब निकालेंगे 75 के, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स आ जाएंगे 3 × 5 × 5। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इसके अंदर, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा और ये 5 हो जाएगा। तो एच सी एफ कितना आ गया हमारा, एच सी एफ आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर्स को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एच सी एफ, तो ये आ गया हमारा 15। तो अब हम क्या करेंगे, 15/75 को हम 15 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, 16/72। तो एच सी एफ निकाल लेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फैक्टर्स निकाल लेंगे 16 और 72 के अलग से, इस तरह से निकलेंगे फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब कॉमन फैक्टर्स देखेंगे इसके अंदर हमारे कितने हैं, तो अब फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, हमारे कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, पेयर देखेंगे हम, ये हो जाएंगे हमारे 2, एक ये हो जाएगा हमारा, बस इसके अंदर ये हमारा एच सी एफ निकलेगा। तो हम इन तीनों कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8, एच सी एफ 8 आ गया हमारा। तो हम 16 है और 72 है, इसको हम, ये हमारा न्यूमिरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2/9। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में दिया हुआ है हमारा 17/51। तो 17 के फैक्टर्स करेंगे, 17 का इतना ही आएगा यहाँ तक, 51 का करेंगे, तो फैक्टर्स लिखेंगे हम 17 × 1, 3 × 17 × 1। तो हमारा ए की कॉमन फैक्टर है, तो एच सी एफ कितना आ जाएगा हमारा 17। फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, तो एच सी एफ हमारा 17 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 17/51 को 17 से डिवाइड करना है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हमारा आ जाएगा 1/3। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट हमारा 42/28। तो 48 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से करेंगे अब हम, तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 7, और 28 को कैसे लिखेंगे,
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी तो ये हो जाएगी 2 × 2 × 7। कॉमन फैक्टर्स देखेंगे इसके अंदर हम, 2 है और 7 है, तो HCF कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 14। अब क्या करना है, इस HCF से हमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर इसको हमने 14 से डिवाइड करना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे ये, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। लास्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट, 80/24। तो 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले, अब हम 24 की करेंगे, ठीक है, ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन 80 और 24 की। अब हम 80 के फैक्टर्स इस तरह से लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, और 24 के 2 × 2 × 2 × 3। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, ये हो जाएगा एक पेयर, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बस इतने ही होंगे इसके अंदर। तो HCF कितना आ गया, अब हम तीनों जो प्रोडक्ट पेयर दे रखे हैं कॉमन, उनका हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, ये आ जाएगा हमारा 8। अब हमें आगे क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा HCF आ गया उससे हमने न्यूमिरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10/3। तो ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके अंदर दो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी 7.3 एक्सरसाइज। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, आप समझ ही गए होंगे कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। तो आप ओके बच्चों, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस को, और HCF निकालने की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मैं नेक्स्ट टाइम आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 7.3, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।